खातेगांव में बीमा कंपनियां फसल बर्बादी का जायजा ले रही हैं। किसानों के खेतों में 15x15 के प्लॉट में क्रॉप कटिंग कर आंकलन हो रहा है। ये सर्वे विधायक आशीष शर्मा, कृषि और राजस्व विभाग के कर्मचारियों की मौजूदगी में खातेगांव के ग्राम मंडलेश्वर में किसान सुमंत दुबे के खेत पर किया गया। किसान सुमंत दुबे के मुताबिक उनके खेत में 8 से 10 फीट पानी भर गया था, पूरी फसल बर्बाद हो गई। डीडीओ नीलिमा सिंह ने कहा कि खेत के सर्वे नंबर के आधार पर ही क्रॉप कटिंग की जाती है। सर्वे बीमा कंपनी के सर्वेयर ने कहा कि नुकसान का आकलन कर लिया है। वहीं विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि खातेगांव में ज्यादातर किसानों की फसलों को भारी क्षति हुई है। फसल अब आपके सामने है, इसमें पूरी 100% नुकसान है, मतलब कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि जो मवेशियों का चारा है वो भी सड़ चुका है बाढ़ के कारण। जिस खेत में अपन खड़े हैं इसमें बाढ़ के दिन करीबन 8 फीट पानी था और फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है। किसान को इसको सफा करने का जो खर्च लगेगा वो भी इस फसल से नहीं निकल पाएगा, ये कंडीशन है। और ये पूरी बजवाड़ा पंचायत में इसी प्रकार भीषण बाढ़ थी, जहाँ पर पूरे खेतों में करीबन 15 से 20 और 25 फीट तक पानी था। हमारे बजवाड़ा पंचायत बेहद परेशान है, आगे उसको नई खेती करना है, उसके लिए भी उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, ना आगे कोई आपदा राशि दी गई है। जबकि 2013 में जब बाढ़ आई थी तो किसान को आपदा दिनांक से 8 रोज के बाद किसानों के खाते में आपदा राशि डाल दी गई थी, पर इस बार सिर्फ बोला जा रहा है, पर अभी तक कोई भी राशि वगैरह किसान के खाते में नहीं डली है। 2019 का जो बीमा है वो भी अभी हवा में ही चल रही है बात। बहुत बढ़िया, के समान फसल उत्पादन हुई है और उसमें जी मतलब पूरी तरह से लॉस आया है इसको। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी से जी सर, मैंने अभी सर जस्ट सवासला का सर्वे करके आया हूँ। यहाँ पर लगभग बायोमास वेट 7 किलो के समथिंग आया है और यहाँ पर क्रॉप कटिंग किए तो इसमें 1 किलो के समथिंग वेट आया है। हमारा प्रावधान ये रहेगा कि जो नियमित रूप से जो जानकारी देना है पाँच मीटर स्क्वायर मीटर में फसल कटाई होती है और रैंडम नंबर से होता है, ये ग्वालियर से ही नंबर आता है। उसका अलाट होने के बाद जो भी खसरा नंबर आता है उसमें हमारे आरियो और पटवारी करते हैं। एक हल्के में 2 आरियो को करना होता है और 2 पटवारी को करना होता है। आज जो कटाई आपने देखी उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान है। 5x5 में कुछ भी नहीं निकला, एक गट्ठा निकला है, उसमें दाने बिल्कुल भी नहीं है, फलियां नहीं है, तो काफी नुकसान हुआ है अतिवृष्टि और बाढ़ से। किसानों की सोयाबीन की फसल, मक्का की फसल पूरी तरह चौपट हो चुकी है। ये जानकारी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दी थी, बीमा कंपनियों को भी अवगत कराया था और कल से हमारे विधानसभा क्षेत्र में फसल कटाई प्रयोग राजस्व विभाग के, बीमा कंपनी के, कृषि विभाग के चालू हो गए हैं। आज हम ग्राम मंडलेश्वर में एक किसान के खेत पर आए थे, 15x15 स्क्वायर फीट में प्लाट काटा गया। ये गट्ठर आप देख रहे होंगे, ये सोयाबीन का गट्ठर है और ये उसके बाजू से मैंने इतनी बड़ी जगह में से कुछ फलियां बीनकर और कलेक्ट किया तो उतनी ही जगह में मात्र इतने दाने निकले हैं, ये 50 दाने भी नहीं होंगे। कुल मिलाकर 15x15 स्क्वायर फीट में 20 ग्राम भी सोयाबीन, 25 ग्राम भी सोयाबीन नहीं निकल रहा है। और हम प्रयास करेंगे सरकार से जो राहत मिल सकती वो तो मिले ही मिले, लेकिन किसान भाइयों को इस आपदा की घड़ी में अतिशीघ्र बीमे की राशि